भाजपा ने जिला परिषद प्रत्याशियों की सूची कुछ दिन पहले जारी कर दी थी, जिसमें कुछ स्थानों में भाजपा को बगावत भी झेलनी पड़ी। यही वजह रही कि कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही वजह रही कि कांग्रेस अभी तक 17 जिला परिषद प्रत्याशियों की सूची घोषित नहीं कर पाई है। प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की। उन्होंने बताया कि 5 स्थानों पर अभी कांग्रेस मंथन कर रही है, जिसमें सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल एक मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही वे बाकी 5 की भी सूची जारी कर देंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि भाजपा क्योंकि सत्ता में है, इसलिए वे सभी चुनावी पासे फेंक कर जीत हासिल करना चाह रहे हैं। चुनावों के समय ही देश के प्रधानमंत्री किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रूपए डालकर किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन हिमाचल के किसान अब उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं और जिला परिषद के चुनावों में वे भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, क्योंकि भाजपा की वास्तविकता सभी के समक्ष आ चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले भी जिला परिषद में चेयरमैन कांग्रेस का था और अब भी कांग्रेस का चेयरमैन फिर से जिला परिषद में काबिज होगा। जिला परिषद वार्ड सोलन जिला के जो है वो 17 वार्ड है और 17 वार्ड में आज 12 वार्डों पे जो है हमने अपनी लिस्ट घोषित कर दी है। पूर्व में भी जिला परिषद में कांग्रेस का वर्चस्व हो रहा है, कांग्रेस को हमारे चेयरमैन धर्मपाल जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को लोगों की सेवा करने का मौका मिला और भविष्य में भी हम लोगों से सहयोग चाहेंगे कि पुनः कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दें और उन्हें कामयाबी दिलाएं, जिससे दोबारा से हम यहाँ जिला परिषद जो है कांग्रेस की बना सकें। हमारी जो जीत है, हमारे जो उम्मीद, हमारी कांग्रेस की पहले ये कोशिश रही कि क्योंकि कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, भाजपा जो है साम दाम दंड भेद सारी तरह की नीतियां अपना इलेक्शन जीतने के लिए अपनाती, इन्होंने इलेक्शन जीतना ही एक अपना ध्येय रख लिया है, चाहे उसके लिए हेराफेरी करनी पड़े, चाहे ईवीएम से छेड़छाड़ करनी पड़े, चाहे लोगों को उसके दाम देने पड़े, इस तरह की भावना इन्होंने, जैसे मोदी जी को अभी किसानों के प्रति प्रेम जागाया, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, दूसरे चुनाव तो उनको प्रेम जागाया कि मैं 2-2 हजार रुपये किसानों के खाते में डाल रहा हूँ। इस तरह से ये लोग वोट कैप्चर करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन लोग इनके झांसे में एक दफा तो आ गए, बार बार आने वाले नहीं है। हमारी जो यहाँ कोशिश रहेगी सोलन जिला में, हमारी इतने इनकी लिस्ट हमारे से कोई एक हफ्ते पहले आ गई थी, हमारी लेट हुई, इस कारण हुई कि हम लोग तालमेल अब चाह रहे थे कि हमारे भी ऐसा नहीं है कि इन्हीं की पार्टी में 2-2 3-3 कैंडिडेट हैं, हमारे में भी ऐसी हैं। हमारे जो जिस तरह से हमारा नालागढ़ है, वहाँ लखविंदर राणा जी है, उन्होंने पूरा वहाँ तालमेल बनाने की कोशिश की और वहाँ से एक ही एक उम्मीदवार दिए। दून में हमारे XMLA राम जी हैं, उन्होंने पूरा प्रयत्न किया अपने साथियों के साथ मिलकर, वहाँ से भी अभी वहाँ से 2 सीटें बाकी रह गई हैं, वो भी 1-2 दिन में हो जाएंगी। हमारे कसौली निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से हमारे विनोद सुल्तानपुर जी उम्मीदवार हैं, रमेश चौहान जी इनकी सहयोगी रहे, सबने मिलकर जो है वो पूरे सहयोग से वहाँ इन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारे और एक एक ही उतारे। इसी तरह से हमारे कर्नल धनीराम शांडिल जी यहाँ से हैं, कर्नल धनीराम शांडिल ने भी भरसक प्रयत्न किए कि हर सीट पर जो है सहमति बने और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, अभी भी उनकी कोशिश जारी है कि सहमति बने और एक एक उम्मीदवार ही आए। इसी तरह से हमारे राज साहब का जो निर्वाचन क्षेत्र है अर्की, वहाँ से भी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से एक एक उम्मीदवार उन्होंने सेलेक्ट किए और बाकी सब उसके सहयोग के लिए तैयार हो गए। हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि लोग जो हैं इनके राज्य में इनकी सरकार से तंग आ गए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। अब केंद्र की सरकार का ही लीजिए, अभी फिर सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए। ये जो बात करते हैं कि हमने सिलेंडर गरीब परिवारों को एक एक दिए, क्या उसके बाद कभी बढ़ाने की भी सोची? उसको कभी पूछने भी आया जिनको उन्होंने सिलेंडर दिए? किसानों को जो है अब इलेक्शन के टाइम बोल दिया कि 2-2 हजार रुपये आपके खाते में आ रहे हैं, क्या इससे पहले किसान रोटी नहीं खाते थे? गौर हो कि एक दिन पहले विधायक धनराम शांडिल ने कंडाघाट के 3 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, लेकिन उसमें से 2 प्रत्याशी जिला अध्यक्ष की सूची से गायब हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक में आपसी तालमेल की कमी है और प्रत्याशियों को लेकर उनमें आपसी घमासान चल रहा है, जिसका खामियाजा शायद कांग्रेस को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है।